नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में आपका तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ 5G स्पेक्ट्रम के सिलसिले में कि और कुछ खुशखबरी के साथ मैं आपको जो है इस न्यूज़ को देने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी और पूरी जानकारी मिल पाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भारत में 5G स्पेक्ट्रम का जो है 5G नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इंतजार है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत में अब तक पहली और सबसे बड़ी नीलामी खत्म हो गई है। इसमें अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी समेत दिग्गजों ने बोली लगाई और करीब 150,173 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम बेचा गया। यानी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। सूत्रों के मुताबिक इस नीलामी में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अपनी टॉप स्थिति को मजबूत करने के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। अगर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ कि रिलायंस जियो ने 4G की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक तेज से संपर्क की पेशकश करने वाले रेडियो तरंगों के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। इसके बाद भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का स्थान रहा। बताया जा रहा है कि अडानी समूह ने प्राइवेट दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए 626 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है। सूत्रों ने कहा है कि किस कंपनी ने कितना स्पेक्ट्रम खरीदा है, इसका ब्यौरा नीलामी के आंकड़ों के पूरी तरह आने के बाद पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा था कि 5G स्पेक्ट्रम के बारे में कि बहुत जल्द हमारे अंबानी जी 5G स्पेक्ट्रम को जो है 5G स्पेक्ट्रम साथ हमारे 5G नेटवर्क को लॉन्च कर सकते हैं। और आशा है कि जल्द से जल्द हमारे भारतवासियों को वो बहुत जल्द खुशखबरी दें, क्योंकि हम भारतवासियों ने 5G फोन्स की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए 5G फोन्स तो परचेज कर ली, चाहे वो एंड्रॉयड में हो, चाहे वो एप्पल आईफोन में हो, चाहे वो टैबलेट में हो। 5G की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली, लेकिन अभी तक हम लोगों को 5G के नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल पाए। तो आशा है कि आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले नए अपडेट्स मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।